जमशेदपुर 43 वो ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन टाटा में अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक चलेगा, जहां देश भर के 10 स्टील प्लांट के मेडिकल सर्विसेज के 523 डेलीगेट शामिल होंगे। ऑल इंडिया स्टील मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जो 9 सालों के बाद जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है, इससे पहले 2015 में आयोजित की गई थी। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है सेंसिबिलिटी इन हेल्थ केयर फॉरवर्ड। 1 तारीख को 5 वर्कशॉप होगा, रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अलावा इसके अलावा कोविड पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 1 दिन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। लेटेस्ट रिसेंट एडवांसेस वी हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है डॉक्टर। आप मिस्टर चाणक्य चौधरी बीबीसीएस रहेंगे, बहुत लंबा बोलिए ना आप कुछ टाइम रहेगा 10:30 बजे 3 तारीख सैटरडे को, 3 तारीख को 10:30 से तीन दिन का ये कॉन्फ्रेंस। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ ASMOC, द 43rd ASMOC, दैट इज ऑल इंडिया स्टील मेडिकल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 9 साल के बाद TMH में जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस, जो प्लांट्स, स्टील प्लांट्स हैं, 10 स्टील प्लांट्स हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर जो भी हैं, तो ये जो भी इनके मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी ईयर एक एक का मौका आता है, और तो ये मौका आता है 9-10 साल के बाद। लास्ट TMH में 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये 43rd कॉन्फ्रेंस है ASMOC जो कि यहाँ पे TMH में ऑर्गेनाइज की जा रही है। और ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस है, और 1 दिन का एक प्री ASMOC वर्कशॉप का दिन है। तो प्री ASMOC का जो दिन है वो 1 तारीख का है, 1 फरवरी, और 3 दिन जो है 2, 3, 4 फरवरी, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। और संडे को दोपहर को ये कॉन्फ्रेंस का वैलिडेटरी फंक्शन और ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी। 3 तारीख को इसका हमने इनॉग्रेशन रखा है। चीफ गेस्ट हैं VPCS मिस्टर चाणक्य चौधरी, और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास जो बाहर के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो 74 हैं फ्रॉम आउटसाइड जमशेदपुर, और टोटल डेलीगेट्स हैं हमारे 530, तो ऑलमोस्ट 456 हैं जो जमशेदपुर से हैं, हमारे TMH के मेडिकल सर्विसेज के, टाटा मेडिकल सर्विसेज से हैं, MTMH से हैं, और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज से हैं। इसके अंदर जो RM लोकेशंस के जो हमारे अस्पताल हैं वो उनके भी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। दैट इज़ वाई आई सेड इट इज़ फ्रॉम द मेडिकल सर्विसेज, TMH और हमारे मेडिकल सर्विसेज के जो अस्पताल हैं यहाँ पे। जो कॉन्फ्रेंस की थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ केयर द वे फॉरवर्ड, और इसके अंदर जो मेन जो कार्यक्रम होंगे, जो वर्कशॉप्स, 1 तारीख को जो वर्कशॉप, 5 वर्कशॉप्स होंगे, मैं फिर से इनको दोहरा रहा हूँ, रोबोटिक सर्जरी, ECMO, दैट इज ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट मैनेजमेंट, बेडसाइड इमेजिंग ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, लैपरोस्कोपिक हैंड्स ऑन सूचरिंग टेक्निक, ये 5 वर्कशॉप्स होंगी 1 तारीख को, जिसके अंदर की हर एक वर्कशॉप में 50 के लगभग पार्टिसिपेंट्स होंगे, डेलीगेट्स वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 200-250 ऑलरेडी इसमें रजिस्टर हो गए हैं। फिर जो 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को जो इवेंट्स हैं, स्टील ओरेशन है इसमें, जिसमें एयर मार्शल राजन चौधरी जो थे यहाँ पे, वो कोविड स्टोरी के ऊपर बोलेंगे। कीनोट एड्रेस डॉक्टर पवन कपूर, एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर वो देंगे, सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ केयर थ्रू क्वालिटी इनिशिएटिव्स। गेस्ट लेक्चर्स हमारे 4 हैं, डॉक्टर PR Arun जो डायरेक्टर हैं TMC कैलकटा के, डॉक्टर संजय पांडा मुंबई से आ रहे हैं, डॉक्टर सुकेश नायर जो CMC वेलोर से आ रहे हैं, और डॉक्टर अनूप राहुल वो बैंगलोर से आ रहे हैं। और हमारे दूसरे जो सेशंस होंगे, लेक्चर सेशंस हैं, पैनल डिस्कशन, 2 पैनल डिस्कशंस हैं ऑन ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़, सस्टेनेबल हेल्थ केयर, और जो सिंपोजियम है वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एंड इट्स इम्पैक्ट इन हेल्थ केयर. और दूसरा है गोल्डन आवर, चाहे कार्डियक हो या ट्रॉमा हो या स्ट्रोक के ऊपर. अवार्ड पेपर सेशंस हैं 7 डिफरेंट कैटेगरीज, एमबीबीएस पेपर्स, एमबीबीएस पोस्टर्स, डीएनबी पेपर्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, प्लस जो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसके ऊपर भी सेशन है, और OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर भी है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी जो क्रेडिट आवर्स, 11 घंटे का क्रेडिट आवर्स इस कॉन्फ्रेंस को जो झारखंड मेडिक स्टेट मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है फैकल्टी के लिए जो इसमें हिस्सा लेंगे. थैंक यू.